फ्रेंड्स, आज हम स्कूल में आए हैं और आज स्कूल में चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण किया है, साथ में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है और अब हम आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप भी देखिए हमारे साथ क्या क्या हुआ। बेटा सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, बहुत अच्छे। आपने किस चीज का स्टॉल लगाया बेटा? सर पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न और चॉकलेट्स। पॉपकॉर्न और चॉकलेट्स, बहुत अच्छे। तो मतलब पॉपकॉर्न आपने मक्का लाए थे सर? मक्का लाए थे वो घर का लाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेल अच्छी रही बेटा? मतलब सेटिस्फाइड आप? अच्छा रहा सर, प्रॉफिट रहा। चलिए बेटा, बहुत 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 शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। और आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना सोचा, इतना अच्छा करा, आप बहुत अच्छा करें। ये तो आपके स्कूल ने बहुत अच्छी चीज कर रखी है, आपको अपना बिजनेस करना सिखा रहे हैं। ऐसी आप मेहनत करते रहे बेटा, ये है बेटा। आपने किस चीज का स्टॉल लगाया? भेलपुरी का। भेलपुरी, तो ये आपने कहाँ पे तैयार की? किस किस चीज से तैयार किए? नमकीन से और आर्या से। अच्छा, और ये मसाला लगाया? तो ये रेडीमेड लाए थे या घर पे बनाया? मतलब मुरमुरे तो लाए होंगे रेडीमेड, उसके बाद इन्हें भून के लाए घर से, ये मसाला मिला के, यही मिलाया सबको? यही मिला। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 230। चलिए बेटा, अभी दोबारा फिर हम आएंगे, ठीक है? अभी सेल काउंट करके बताना कि कितनी हुई है, ठीक है? क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या बेचा आपने बेटा? पकौड़े। पकौड़े बेचे, किस चीज के? आलू के। आलू के पकौड़े बनाए थे? हमारी मम्मी ने बनाए थे। चलिए बहुत अच्छी बात, कोई नहीं, सबकी मम्मी बनाती हैं। 88 के कितने रुपए पकौड़े दे रहे थे? 10 रुपए के 5 पकौड़ी और 5 रुपए के 2 पकौड़ी। 5 रुपए के 2 पकौड़े, वाह बहुत अच्छे। बढ़िया बिजनेसमैन बनेंगे आप आगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। थोड़े से ट्रिक्स मुझे भी दे देना, क्या क्या बिजनेस करना आता है तुम्हें, ठीक है? मैं भी सीख लूंगी बिजनेस करना। सिखा दोगे मुझे? यस मैम। हमारी वीडियो पूरी लगाई। नाम? मैम शिवम। शिवम, आपने क्या किया? हम भेलपुरी। अच्छा भेलपुरी। आपने कितने रुपए प्लेट दी? 5 रुपए 10 रुपए। 5 रुपए और 10 रुपए, वाओ। तो ये भेलपुरी किसने तैयार करी? मम्मी। मम्मी ने बस आपने यहाँ मतलब तुरंत ही सर्व कर दी, लाके मतलब रेडी थी? यस मैम। ओके, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 80 रुपए। बताने में डर रहे हो, प्रॉफिट नहीं बताना।
कितने का लेके आए थे? 120 रुपए का बेचा। आपने कितने रुपए का लिया था? 130 रुपए का खरीदा। आपने बिक्री कितने की करी? 220 लगभग। तो मतलब सही है, आपको सही मार्जिन आ गया। और अभी तो आपके पास माल है ना बचा हुआ? नहीं, गुड्स भी है अभी इनके पास, सामान है अभी। अभी तो और से लोगी बेटा, ये खाली बैठे सब खत्म। क्या आता है? आ रहे हो? मैं तो लेके आ रहा हूं पोहा और ब्रेड पकौड़ा। पोहा और ब्रेड पकौड़ा। तो घर से तैयार आपने कितने? मम्मी ने पोहा बनाया था। मम्मी ने पोहा बनाया था और ब्रेड पकौड़े किसने बनाए थे? इनकी मम्मी ने। कितने रुपए, कितने पलक, कितने पीस लाए थे ब्रेड पकौड़े के? 10। कितने बिक गए? सारे बिक गए। कितने रुपए के? 100 रुपए के। और ब्रेड तो मुझे लग रहा है 30 रुपए की, 40 रुपए की खरीदी है अभी। हां प्रॉफिट है भाई, सही है। और आपके कितने के बिके? मैम 100 के। 100 का पोहा, दोनों का? हां मतलब आपका जो सामान था वो कम पड़ गया ना यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, अगली बार जब आप करोगे तो थोड़ा ज्यादा रखना बेटा है। हमें अरे आगे कहाँ गए दुकानदार? दुकानदार गए भैया, इन्होंने 250 रुपए बचाए। वाह, 200 रुपए का जो है सामान लगा था, 200 रुपए बचाए थे। देखा यहाँ तो अभी भी भीड़ चल रही है भाई। क्या नाटक की गड्डी, अरे भाई होटल नाटक की गड्डी सजाया हुआ भी है काफी ज्यादा। हाँ भाई डेकोरेटेड है और यहाँ लिखा हुआ भी है भव्य एंड युक्ति ढोकला स्टॉल, MRP 10 रुपए प्लेट और समोसा 10 रुपए प्लेट। बहुत बढ़िया, कितने बचत हुई? 650 का खर्चा हुआ और 600 की बचत हुई, मतलब 1250 का बेच दिया भाई। वाले सबसे हाईएस्ट। और अभी ना इनके पास सामान भी है बचा हुआ, सामान भी है, थोड़ा सा बच पाया है। मतलब कितने रुपए पीस दे रही हो? 10 रुपए पीस। 10 रुपए पीस। और क्या था तुम्हारे पास? समोसा। समोसा भी 10 रुपए पीस। बढ़िया भैया, तो समोसे कितने बिके? सब बिक गए। सब बिक गए। अच्छा कोई तुमसे किलो में लेने आ जाता तो तुम क्या करती फिर? वो था ही नहीं नापने के लिए। तो तू कैसे देती भाई? मैं तो जैसे 4 पीस खाती तो तुम तो 40 रुपए लूट लेती। मैं तो 250 ग्राम लेने मुझे तो। अभी युक्ता अभी तो बताओ बोला समोसे बेचे थे ढोकला? समोसे ढोकला दोनों। अच्छा दोनों कंबाइंड दे आप, दोनों सब कंबाइंड दे। नहीं वो तो बाद में हो जाएंगे ना बराबर। अच्छा आप ज्यादा कर लोगे? तो क्या नाम है? यश प्रताप। यश प्रताप, क्या आई की चाट थी? किस चीज की चाट थी? मटरा। मटरा हमें तो लिख लाया तुमने। मैम खत्म हो गए जब तक आप आए। ज्यादा से लाना चाहिए था ना मैम, जितना बाजार में मिला उतना ले आए, 1 किलो ही मिला बहुत मुश्किल से। रेडीमेड लाए थे? हाँ। नहीं नहीं मम्मी ने बनाया, मम्मी से बनाया था बस। मटरा 1 किलो ही मिला। अच्छा जो सूखा कच्चा जो मिला था 1 किलो ही मिला। अच्छा तो बिक ज्यादा गया, ज्यादा दी दिया जो है ग्राहक ज्यादा आ गए? ग्राहक ज्यादा आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। इसमें कितने रुपए का दोना था? 10 रुपए। 10 रुपए का दोना कितना दे रहा? कितना बड़ा दोना मैम? कागज वाला। कागज वाला नो, इतना बड़ा हो गया। कितनी बचत कर ली? 170 रुपए की। लाए कितने का था? 130। मतलब 130 निकाल के 170 बचे हैं। अगर 70 रुपए की बचत हुई है। चलिए बेटा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपका भी स्टॉल था? हाँ इनका भी। आदर्श राघव। आदर्श राघव आपने क्या बिका? भेलपुरी। भेलपुरी? घबराओ नहीं, हमने खाई थी आपकी भेलपुरी, आपसे हमने मंगाई थी, अभी टेस्टी थी। किसने बनाई? आपने? अच्छी बनी थी बेटा। हाँ नहीं मंगाई थी, इन्हीं की हमने खाई है। लेके एक ढोकला खाया था, समोसा और एक ये भेलपुरी खाई थी। बाकी सब खत्म ही हो चुका था। कितने का लेके आए? 200 रुपए के लेके आए थे, 300 रुपए बन गए। मतलब पूरी टोटल सेल कितनी थी? कितने का बिल? 300 बच गए। वाह नाइस, बहुत बढ़िया। आपने ऑर्गेनाइज करवाया था? हाँ जी, बहुत अच्छा था आपका अरेंजमेंट। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो आगे और ऐसे कराइए और हमें ऐसे बुलाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। बच्चे लगाते हैं आपको? एक्स्ट्रा ही लगा दिया था आगे में, मतलब जैसा गाँव के बच्चे है अभी एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं है गाँव में, उस हिसाब से बच्चों ने काफी अच्छा किया, काफी अच्छा डेकोरेशन वगैरह भी की है, प्रोग्राम भी अच्छे करे, बहुत अच्छा किया। बच्चों को मिली है तो ये भी खुद? हाँ हाँ, बच्चों में क्या होता है एक जो है
क्रेज सा हो जाता है और थोड़ा बच्चे मनोरंजन नहीं, जैसे आज के दिन एंजॉयमेंट का दिन है, चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्कूल के लिए और आपके बच्चों के लिए। ये मैम भी ऑर्गेनाइजर है यहाँ की, बहुत अच्छा अरेंज किया था। अभी जो हमने एक स्टॉल थी, थोड़ा दिखाएंगे, ये स्टॉल थी, यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे जो है स्टॉल लगाई है, एक ढोकला और समोसा दो चीज बेची है, तो उनकी जो मदर हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने प्रिपरेशन किया थी, तैयारी करी और उनको इतना अच्छा मतलब वो दिया, ये बहुत अच्छा। दो शब्द उनसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। तो मैम आपने जो ये तैयारी करी थी ढोकला बनाने की, और सुबह से ही शुरू कर दिया था या मतलब रात को ही? जैसे आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे और उसको मसाला बना के सुबह के लिए रख दिया था, सुबह उठी और आटा मल के भी रख दिया था, सुबह उठ के जल्दी से उसको बना दिया। टेस्टी बने थे, थैंक यू। और आगे बच्चों में बहुत अच्छी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस किया है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स अगर ऐसे होंगे तो बच्चे तो बहुत आगे जाएंगे। टेस्टी भी थे, चलो अच्छा है। प्राइमरी सेक्शन जी सर, जो बताया आपने प्राइमरी सेक्शन से, मिस्टर योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, तो बहुत आपके बच्चों ने जो छोटे छोटे नर्सरी केजी के जो बच्चे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा। आपका विद्यालय में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये तो आपका बहुत बहुत नहीं आभार है कि भाई आपने हमको लाइक समझा कि यहाँ पे आमंत्रित किया आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में, और देखिए आगे भी यही रहेगी कि भी आगे आप बुलाते रहें। विद्यालय परिवार आपको आभार व्यक्त करता है और आपके चैनल के लिए, आपके ब्लॉग के लिए शुभकामना प्रेषित करता है। बहुत बहुत आपका विद्यालय परिवार पूरा स्वागत करता है, आपने बच्चों के कार्यक्रम में भाग लिया और हमें पता चला था कि आप बिला बनाते हैं, तो हमने सोचा कि हमारे भी बच्चों का कार्यक्रम आगे तक पहुंचेगा। आप सब लोगों का स्वागत किया और बच्चे बड़े खुश हुए आपके कार्यक्रम को बनाने से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार है और ऐसे ही आप प्रोग्राम आगे करते रहें। मैं मोनिका शर्मा यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, यहीं पे पढ़ी हूँ और यहीं पे पढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस मतलब संस्था में स्टूडेंट रही हैं और आज मतलब यहाँ पे बच्चों को एक मतलब बहुत अच्छा, आपने देखा, हमने प्रोग्राम में भी देखा कि बहुत अच्छे संस्कार आपने दिए हैं बच्चों को, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रोग्राम कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पर आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड की तरफ, और बच्चों ने काफ़ी कुछ गेम्स भी खेले थे जो कि बहुत अच्छे थे, और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।